नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे किस तरीके से हम धन ब्रोकर के अकाउंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास धन ब्रोकर का अकाउंट है तो आप एल्गो क्रैब पे उसको लिंक करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास धन ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट धन.co है, इस वेबसाइट पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद उसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से धन ब्रोकर का अकाउंट हमारी वेबसाइट के साथ लिंक होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ पर अकाउंट जो एल्गो क्रैब का है, इसको आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास एल्गो क्रैब का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है, जिसमें कि आपको अपना नाम, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद एक विंडो खुलेगी जहाँ पर आपको अपना पिन डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है और पासवर्ड डालने के बाद आपको साइनअप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं अपना अकाउंट को लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है और अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। अब ये स्ट्रैटेजीज़ दोस्तों किन के लिए हैं? दो तरीके के ट्रेडर इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पहला, वो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, या फिर जिनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है और पूरा दिन मार्केट वॉच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते, जो चाहते हैं कि किसी एक परफेक्ट और एक्सपर्ट एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पे उनका ट्रेड ऑटोमेटिकली होता रहे। बेसिकली दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग करने का मेजर फ़ायदा जो होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि इसमें कभी भी आपका मेजर लॉस नहीं होता, यानी कि ये इमोशनलेस ट्रेडिंग होती है। इसमें आपकी जो ट्रेड हैं वो ऑटोमेटिक होंगी। अगर आपने आधा परसेंट का स्टॉप लॉस या आधा परसेंट का टारगेट वहाँ पर सेट किया है, तो जैसे ही आधा परसेंट का आपको प्रॉफिट या आधा परसेंट का आपका लॉस होगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने अकाउंट में सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेड हम ले लिया और वो लॉस में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। और स्टॉप लॉस ना रखना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है उस वक्त, जब हमें पता लगता है कि हमारी 20 से 30% कैपिटल एक सिंगल ट्रेड में ख़त्म हो गई। और ये चीज़ एल्गो से नहीं होती। तो एल्गो को इसलिए भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा जाता है क्योंकि एल्गो एक इमोशनलेस ट्रेडिंग है। जहाँ स्टॉप लॉस आपने सेट कर दिया वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, और जहाँ पर आपने टारगेट सेट कर दिया वहाँ पर आपका टारगेट ऑटोमेटिकली लग जाएगा विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो ये दोस्तों सबसे खास बात है एल्गो की। वहाँ पर जो मैं आपको प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, या फिर आपको आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट आपके ट्रेड करे, तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपको बाकायदा लिखा हुआ दिख रहा है कि कौन सी इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज़ हैं और कौन सी पोजिशनल की स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको किस तरीके से इसे स्टार्ट करना है, उसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा सबसे पहले एक टैब में जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के टैब में आपको यहाँ पर धन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपकी क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पर प्लेस्ड कर देनी है, और उसके बाद आपको अपडेट करना है। जब आप इसको अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको एक गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे, ये आपको धन की वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ आपको अपना अकाउंट की डिटेल डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपसे ओटीपी मांगेगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है, ठीक है। जैसे ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे मेरे पास अभी ओटीपी आ चुका है, ओटीपी मैंने डाला, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ये रिडायरेक्ट होके मुझे हमारी वेबसाइट पर वापस ले गया। अभी वापस हमारी वेबसाइट पर लेके आ गया, इसका मतलब ये है कि हमको जो टोकन है वो सक्सेसफुली मिल गया, यानी कि आज के दिन का हमारा ट्रेड विदाउट एनी इंटरप्शन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के थ्रू होता रहेगा। यहाँ पर जब आप ऑथेंटिकेशन के टैब में दोबारा से जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि टोकन यहाँ पर आपको मिल गया।
ये जो टोकन है ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको दिख गया कि आज की डेट में 1:56 पे आपको टोकन मिला। अब आपको एक चीज़ बहुत खास से ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये है कि जब आपको टोकन लेना है सुबह के टाइम, तो उस वक्त 8 से 9 बजे के बीच ही टोकन लें, उसके पहले या उसके बाद में टोकन ना लें। क्योंकि अगर उसके बाद आप टोकन लेंगे तो अगर मार्केट में पहले कोई सिग्नल आ गया होगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा या वो आपका जाएगा नहीं। और उससे पहले भी अगर कोई आपने टोकन ले लिया तो कई बार क्या होता है कि 8 बजे के बाद ब्रोकर अपडेट करते हैं अपने टोकन को, तो अगर आपका टोकन आपने 6 बजे या 7 बजे ले लिया तो वो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि वो एक्सपायर हो जाए और आपका ट्रेड ना हो उस दिन के लिए। तो ये चीज़ खास ध्यान रखिए, 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता आपको। अभी आपने सब चीज़ें सेव कर दी हैं, आपको सिर्फ गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करना है और अपनी ID पासवर्ड और वो मोबाइल पर आने वाला OTP डालना है और आपका अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा। ये तो था लिंकिंग का प्रोसेस कि किस तरीके से आपका अकाउंट लिंक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सिंबल क्रिएट करना है ट्रेडिंग करने के लिए। उसके लिए आपको जाना होगा स्ट्रेटजीज के सेक्शन में और यहाँ पर आपको कस्टमाइज स्ट्रेटजी का सेक्शन मिलता है। कस्टमाइज स्ट्रेटजी के सेक्शन में जब आप क्रिएट सिंबल करेंगे तो यहाँ आपको कोई भी सिंबल आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने के बाद। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी सिलेक्ट की, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंबल डालना है जिसमें कि आपको ट्रेडिंग करना है। जैसे ये निफ्टी के बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं, आपको अगर यहाँ पर किसी भी एक सिंबल में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसकी आप डेट डालिए, मंथ डालिए और ईयर डालिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर SBIN लिखा तो SBIN के बाद यहाँ पर आपको SBI के अलग अलग सिंबल्स दिख रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर में करना है तो आप फ्यूचर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 22 यहाँ पर फ्यूचर सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आपको फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल रहा हूँ। अभी क्वांटिटी डालने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंट्राडे करना है तो आप MIS पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पोजिशनल करना है तो आप CNC पे या सॉरी अगर आप फ्यूचर करते हैं तो NRML पे क्लिक करेंगे, अगर आप कैश करते हैं तो MIS या CNC कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस टारगेट्स के ऑप्शन मिलते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट आप इनेबल कर सकते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है कि यहाँ पर 0.5% का आपको स्टॉप लॉस और 0.5% का टारगेट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया, यहाँ पर एक कार्ड बन के आ गया। इस कार्ड में मुझे स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया तो अब जो मेरा ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के टैब में जाना है। वहाँ पर आपको यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रेटजी में ऑप्शन स्ट्रेटजीज चूज करना है और क्रिएट सिंबल करना है। यहाँ पर आपको सिंबल का नाम लिखना है, जैसे बैंक निफ्टी करना है, और इसमें कौन सा फ्यूचर आपको ट्रेड करना है, वीकली या मंथली। जैसे मान वीकली करना है तो आपको वीकली की डेट डालनी है, मंथली करना है तो मंथली की आपको वहाँ पर डेट डालनी है। इसके बाद अक्टूबर हो गया, यहाँ पर ईयर में आपको ईयर डालना है। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ रही है। MIS करना है तो MIS करेंगे, अनालमेंट करना है तो अनालमेंट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस देख सकते हैं, आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो टारगेट 1, 2, 3 जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। स्ट्रेट देखिए अभी एरर दे रहा है स्ट्रेटजी का, तो यहाँ पर हम इंट्रामैक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करके स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। स्टार्ट का बटन प्रेस करने से अब ये स्टार्ट हो गया। अब इस स्ट्रेटजी में कभी भी कोई ट्रेड आएगा, अगर वो SBI में आया तो हमारा SBI में ट्रेड हो जाएगा, अगर वो बैंक निफ्टी में आया तो हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन हो जाएगा ट्रेड। अब यहाँ ऑप्शन के केस में मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन लगाया है वीकली और अगर इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी में बाय का सिग्नल आएगा तो आपका कॉल ऑप्शन बाय होगा। वहीं अगर आपका इसमें सेल सिग्नल आया उसके बाद तो कॉल ऑप्शन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और पुट ऑप्शन बाय हो जाएगा। यहाँ पर दोनों केसेस में बाय ही होता है, उसका आपको फ़ायदा मिलता है क्योंकि अगर आप सेलिंग करके चलेंगे इस स्ट्रेटजी में तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, अगर आप बाइंग करके चलेंगे तो आपको कम मार्जिन में प्रीमियम में आपको यहाँ पर लॉट मिल जाता है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है क्योंकि इतना काफ़ी सारा पैसा आदमी का अगर आप सेल करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में चला जाएगा, वो इतना कंजप्शन इसमें नहीं होता। 20 से 25 हज़ार रुपये भी आपके अकाउंट में है तो आप आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेटजीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था दोस्तों किस तरीके से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म एल्गो क्रैब के साथ, अगर आपका धन टोकन के साथ अकाउंट है। तो अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ब्रिजिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा दी गई फ्री स्ट्रेटजीज जो ब्रिज टूल में अवेलेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक और कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।